71वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरी तरफ से सभी नगरवासियों को तथा सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये आशा करता हूं कि हम इस स्वतंत्रता दिवस के साथ आगे आने वाले समय में उत्तरोत्तर सुधार करेंगे और नगरवासियों को 24 घंटे बिजली देने की हम लोगों की जो प्रतिबद्धता है उसको हम पूरी शिद्दत के साथ करने का पूरा प्रयास करते हुए लोगों को 24 घंटे बिजली देने की स्थिति में आ जाएंगे। धन्यवाद। प्रदेश में योगी सरकार आते ही बड़े बड़े माफिया व अपराधी या तो सुधर गए हैं या फिर उनका इनकाउंटर हो गया है, लेकिन प्रदेश के अति संवेदनशील मऊ जिले में एक ऐसा अपराधी है जो सुधरने को तैयार है, लेकिन योगी की पुलिस उस अपराधी को सुधरने ही नहीं दे रही है बल्कि उसका इनकाउंटर करने की फिराक में है। पूरा मामला जिले के सराय लखनची थाना क्षेत्र के गोड़ापुर गांव का है, जहां का अपराधी विनोद उर्फ लालू यादव निवासी है, जो 40 महीने बाद जमानत पर छूटकर अपने घर आया है, लेकिन घर आने के 12 घंटे बाद ही कई थानों की फोर्स अपराधी लालू यादव के घर आ धमकी, लेकिन विनोद उर्फ लालू यादव घर पर नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने लालू यादव के घर जमकर तोड़फोड़ किया, साथ ही लालू यादव की भाभी को लाठी से पीटा, जिसका चोट का निशान पैर पर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं लालू यादव व पत्नी रीमा यादव ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है, साथ ही सुरक्षा मांग भी की है। वहीं लालू यादव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मेरी पत्नी रीमा यादव इस गांव की प्रधान है, कुछ साल पहले गलत संगत के कारण हमसे अपराध हुआ है और हम 40 महीने बाद जेल से छूटकर अपने परिवार के साथ रहने आए हैं, लेकिन यहां पर पुलिस हमें रहने ही नहीं दे रही बल्कि राजनीतिक दबाव में मेरा इनकाउंटर करना चाहती है। साथ ही कहा कि हमने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, बावजूद इसके पुलिस हमें सुधरने का मौका ही नहीं दे रही है। मेरी एक 5 साल की बेटी भी है और मैं अपने परिवार और गाँव वालों के साथ रहना चाहता हूँ। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। 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 मेरे पति आए थे जेल से छूट के रात में, सुबह में पुलिस आई और पूछ जांच में मुझसे पूछने लगी कहाँ है। मैं उन्हें बताई कि वो ग्राम सभा में घूमने गए हैं। उसके बाद वो सारा घर का सामान तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। उसके बाद मैं पूछती रही क्या बात है, लेकिन वो बता नहीं रहे थे। फिर वो बोल रहे थे कि हम गोली मार देंगे, मिल जाएगा तो इनकाउंटर कर देंगे, बस हमें मिल जाए, कहाँ पे है चलो दिखाओ। मेरी देवरानी है, इन्हीं को 2 डंडे भी मारे हैं और 60 भी पड़ा है और इनसे चाबी मांग रहे थे। अपराध करते थे लेकिन इस टाइम में सुधर के घर पे रहना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ये करना नहीं चाहती है, मार देना चाहती है। अदर लोग इस परेशान ना करें, मैं प्रशासन से भी बोल रही थी कि अब वो सुधर के घर पे रहना चाहते, अपने परिवार पे भी रहना चाहते थे, तो बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे कि नहीं वो सुधरेगा नहीं सुधरेगा।